अब आ रही है क्या आवाज़ बताना जरा आवाज़ क्लियर आ रही है जल्दी बताइए अब आ रही है आवाज़ फटाफट से बताओ चलिए आई होप आवाज क्लियर आ रही होगी चलिए बहुत सही चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे भैया उसके बाद क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करेंगे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हु रिसेंटली बिकम द सेकंड वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द मेडिकल ब्रांच ऑफ IAF IAF एफ यानी कि भैया यहाँ पे मैं इंडियन एयरफोर्स की, की बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूं बोला है कि भैया हु रिसेंटली बिकम द सेकंड वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द मेडिकल ब्रांच ऑफ आईएएफ टू तो बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल एयर मार्शल कौन सा रैंक होता है तो ये इंडियन एयरफोर्स का ये इंडियन एयरफोर्स का सेकंड हाईएस्ट अब सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होता है सेकेंड हाइएस्ट पद होता है किसका भैया इंडियन एयरफोर्स का तो बोला है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल शाखा से एयर मार्शल के पद पर होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन सी बनी है ऑप्शन बी आ रहा है पदमा बंदोपाध्याय बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है ऑप्शन ए नेहा मिश्रा आ रहा है प्राची यादव का बी आ रहा है देखो भैया अगर पूछा होता है पहली महिला ऑफिसर अगर यहां पे पूछा होता है पहली महिला पहली महिला ऑफिसर पहली महिला ऑफिसर जो कि मेडिकल ब्रांच की है जो कि मेडिकल ब्रांच की है और वो बनी है वो बनी है एयर मार्शल तो आप क्या लगाते आप लगाते भैया सही उत्तर तो हो जाता कौन पद्मा बंदोपाध्याय अगर पहली पूछा होता बट यहां पे देखो दूसरी पूछा है ना तो दूसरी कौन सी होने वाली है दूसरी होने वाली है कौन भैया साधना एस नायर कौन वाली है दूसरी होने वाली है साधना एस नायर पहली पूछा होता तो ऑप्शन बी लगा देते बट यहाँ पे दूसरी पूछा है भैया यहाँ पे दूसरी पूछा है देखो क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आंसर आप सभी को पता था आंसर आप सभी को पता था बट आप लोगों ने क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तो आप इसका आंसर सही लगाते हैं। बताओ भैया अवनी चतुर्वेदी अवनी चतुर्वेदी कौन में जाएंगी फर्स्ट वुमेन पायलट लिख लो पहली woman, पहली महिला फाइटर पायलट पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगी फाइटर पायलट के रूप में भैया आपको अवनी चतुर्वेदी सुरभि जखमोला सुरभि जखमोला कौन भैया तो याद रखना जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंदर बॉर्डर एरियाज़ में रोड बनाने का काम करती है उसकी पहली फॉरेन प्रोजेक्ट में पहला जो पहला जो फॉरेन प्रोजेक्ट था उसमें महिला को भेजा गया था जिसका नाम था सुरभि जखमोला है ना सुरभि जखमोला ये बी की पहली फॉरेन प्रोजेक्ट पे महिला ऑफिसर के रूप में गई थी बहुत सही प्राची ठीक है बहुत सही सुरभी जखमोला कौन हो जाएगी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पहली बार किसी महिला को भेजा गया था तो उस महिला का नाम था सुरभी जखमोला तो भारत के अंदर भैया दूसरी महिला ऑफिसर जो कि मेडिकल ब्रांच से है और उसको इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल के पद पे पदोदित किया गया है वो कौन हो जाएगी साधना सनायर ठीक है साधना सनायर Osionfish. दूसरी बात खास बात क्या है ये है साधना एस नायर साधना एस नायर ये भी भैया एयर मार्शल है ये भी एयर मार्शल है और इनके जो पति हैं, इनके जो पति हैं ये भी एयर मार्शल है ये भी एयर मार्शल है और याद रखना ये पहले ऐसे ये पहले ऐसे कपल है जो दोनों एयर मार्शल के पद पर है ये पहले ऐसे कपल है जो दोनों एयर मार्शल के पद पे है इज दैट क्लियर यहां तक बातें क्लियर हुई जल्दी बताओ जरा यहां तक बातें क्लियर हुई दो क्वेश्चन से साधना एस नायर और भैया साधना एस नायर और उनके पति दोनों एयर मार्शल के पद पे हैं। तो ये भी यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बताओ हु रिसीव सैक्रो ऑफ ह्यूमन राइट प्राइस दो बताओ बच्चा हिंदी में सैक्रोफ मानव अधिकार पुरस्कार 2023 किसे मिलेगा या किसे मिला है देखो भैया सैक्रोफ प्राइज भैया मिलता किस लिए है तो देखो साफ साफ लिखा है जो लोग मानव अधिकारों की सुरक्षा करते हैं उसको भी है, सैक्रोफ प्राइज से सम्मानित किया जाता है तो बताइए जरा बताइए जरा सैक्रॉफ मानव अधिकार प्राइज किसको मिला है चलो बताता हूं अगर मैं पूछू साल 2022 वाला साल 2022 वाला जो सैक्रो मानव अधिकार प्राइज है ये दिया गया था यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन के लोगों को दिया गया था क्यों भैया तो यूक्रेन के लोगों ने बहादुरी दिखाई यूक्रेन के लोगों ने बहादुरी दिखाई किसके खिलाफ तो यूक्रेन के लोगों ने बहादुरी दिखाई रशिया के खिलाफ है ना? लगातार फरवरी 2022 से भैया क्या चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है ठीक है तो वहां के लोग डट के सामना कर रहे हैं इसलिए भैया है. दो 2022 वाला जो सैक्रॉफ प्राइज है ये किसको दिया गया तो यूक्रेन के लोगों को किसको बच्चा यूक्रेन के लोगों अगर मैं पूछूं पहला सैक्रॉफ प्राइज पहला सैक्रॉफ प्राइज किसे दिया गया कौन बताएगा पहला सेक्रोफ प्राइज किसे दिया गया फटाफट बताओ ये प्राइज देता कौन है याद रखना ये जो सेक्रोफ प्राइज है ये देता कौन है ये जो सेक्रोफ पुरस्कार है ये देता कौन है भैया तो याद रखिएगा ये देता है यूरोपियन यूनियन कौन देता है यूरोपियन यूनियन आओ यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हो रही है यूरोपियन यूनियन की स्थापना उन्नीस में हो रही है उन्नीस के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा ठीक है यूरोपियन यूनियन के अंदर भैया आपको 27 देश देखने को मिलेंगे कितने 27 देश और इसकी हेड के रूप में आपको वॉन देखने को मिलेंगे कौन उरुसुला वॉन तो सैक्रोफ प्राइस देता कौन है भैया सैक्रोफ प्राइस देता है यूरोपियन यूनियन पहला सैक्रोफ प्राइस किसको मिला कौन बताएगा किसी का आंसर नहीं आया किसी का आंसर नहीं आया लिख लो नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला को सबसे पहला सैक्रोफ प्राइस दिया गया 2022 में किसको दिया गया यूक्रेन के लोगों को 2023 में किसको दिया जा रहा है तो दो लोगों को देखो भैया एक तो भैया मूवमेंट है जिसका नाम क्या है महिलाएं जीवन स्वतंत्रता आंदोलन और दूसरा भैया एक महिला है एक महिला है जिनका देहांत हो चुका है महसा जिना अमीनी तो भैया इन दोनों को सैक्रॉफ प्राइज दिया जा रहा है 2023 वाला गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सभी को भैया यूरोपियन यूनियन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है अब बात को समझना ये महिला कौन है महिषा जिना अमिनी कौन है बात को समझना ध्यान से। ध्यान से से समझना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा देखो ही में अगर आपको याद हो ईरान के अंदर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था ठीक है ही में अगर आपको याद हो ईरान के अंदर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था बवाल क्यों चल रहा था कि ईरान की गवर्नमेंट चाहती थी ईरान की जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि ईरान में रहने वाली जो महिलाएं ईरान में जो रहने वाली महिलाएं हैं महिलाएं हैं वो वेस्टर्न कल्चर को ना अपनाएं यानी कि जींस वगैरह ना पहने वेस्टर्न कल्चर को वेस्टर्न जो कल्चर है उसको ना अपनाए और महिलाएं जो है वो बुरखा पहने वो क्या पहने बुरका पहने तो लोगों ने भैया इसका क्या किया लोगों ने इसका विरोध किया जिस विरोध के बाद ईरान की गवर्नमेंट ने एक पुलिस बनाया ईरान की गवर्नमेंट ने एक पुलिस बनाया जिस पुलिस का नाम था मोरालिटी पुलिस क्या नाम था मोरालिटी पुलिस इस पुलिस को क्या कहा गया इस पुलिस को कहा गया कि जहां भी आपको कोई महिला दिखाई दे जींस पहने हुए या बुरखा ना पहने हुए आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए तो भैया बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें जिसमें महसा जीना अमीनी भी थी भैया इस पुलिस के द्वारा क्या किया गया गिरफ्तार किया गया कस्टडी में लिया गया और इसमें जीना अमीनी को भी जीना अमीनी को भी भैया कस्टडी में लिया गया बट हुआ ये कि जीना अमेनी की कस्टडी में क्या हो जाती है डेथ जीना अमेनी की कस्टडी में क्या हो जाती है देथ. जिसके बाद ईरान के अंदर बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है और बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ईरान की सरकार को इस मोरालिटी पुलिस को बंद करना पड़ता है इस मोरालिटी पुलिस को बंद करना पड़ता है अब जीना अमेनी की डेथ हो गई कहां पर ईरान के अंदर तो भैया इस जीना अमिनी के देहांत के बाद बहुत सारी ऐसी जर्नलिस्ट निकल के आई बहुत सारी ऐसे जर्नलिस्ट निकल के आए जो ईरान के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं ईरान के ही अंदर के जर्नलिस्ट निकल के आए जिसमें तीन महिला बहुत ज्यादा फेमस हुई इन तीनों जर्नलिस्ट को भैया इन तीनों जर्नलिस्ट को सपोज एक्स वाई और जेड नाम की जर्नलिस्ट जो है ये बहुत ज्यादा फेमस हुई और इन तीनों जर्नलिस्ट को ईरान सरकार के द्वारा भी जेल में डाल दिया गया इनफैक्ट अभी भी ये जेल में आपको दिखाई देने को मिली ये जो तीनों जर्नलिस्ट थी क्योंकि ये बहादुर थी एक देश के खिलाफ बोल रही थी तो इनको भी इनको संयुक्त राष्ट्र ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया अपना हाईएस्ट अवार्ड भी दिया साथ ही साथ इनमें से एक जर्नलिस्ट का नाम था नरगिस मोहम्मदी इनमें से एक जर्नलिस्ट का नाम है नरगिस मोहम्मदी मोहम्मदी याद रखना ये वही है जिनको इस बार का यानी कि साल 2023 का नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है पीस प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है बात को समझे कि नहीं समझे जल्दी फिर कमेंट बॉक्स में बता दो वरना मैं दोबारा बताऊंगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बिल्कुल सही जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या यह इस कंसेप्ट समझ में आया क्या ये सारी बातें समझ में आई ईरान में क्या चल रहा था समझ में आया कि नहीं बहुत सही समझ में आया कि नहीं बताओ क्या हुआ बात को दोबारा समझते हैं मैंने बोला ईरान के अंदर जो सरकार है उसने बोला महिलाओं को हम वेस्टर्न कल्चर अपनाने नहीं देंगे पहनना जरूरी है तो महिलाओं ने विरोध किया। विरोध किया करने के बाद ईरान सरकार ने एक पुलिस बनाई जिसका नाम था मोरालिटी पुलिस इस पुलिस ने भैया जो लोग बुरखा नहीं पहन रहे उनको कस्टडी में लेना शुरू कर दिया कस्टडी के दौरान भैया एक महिला की मौत हो गई जिसका नाम था जिना अमिनी अब जब जमीना अमनी की मौत हुई तो ईरान में बहुत बड़ा बवाल हुआ जिसके बाद इस पुलिस को बंद करना पड़ा जीना अमिनी की वकालत कर रही थी तीन जर्नलिस्ट जिनका नाम था एक्स वाई जेड इन तीनों को जेल में रखा गया ईरान सरकार के द्वारा और अभी भी ये जेल में जिसमें से एक महिला का नाम था नरगिस मोहम्मदी जिसको इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है और इन तीनों जर्नलिस्ट को पिछले साल ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला मिल चुका है इज दैट क्लियर बहुत सही ठीक है तो भैया इस बार का को मिल रहा है तो भैया ईरान में एक मूवमेंट चलाया गया था जिसका नाम था महिलाएं जीवन स्वतंत्रता आंदोलन दूसरा वो महिला जिसकी भैया कस्टडी में डेथ हुई थी महेशा जीना अमिनी तो इन दोनों को यानी कि सी एंड डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ठीक है बहुत सही ठीक है बहुत सही अगले क्वेश्चन की तरफ देखो यह है जीना महसा अमीनी जिनको भैया इस बार का काफ प्राइस से सम्मानित किया जा रहा है अगला बताओ जल्दी बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्चेस डीजी कवच प्रोग्राम जल्दी बताइए डीजी कवच प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ डीजी कवच प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है देखो भैया आरबीआई क्या हो जाएगा आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक या मैं कहूं भारत का सबसे उच्चतम बैंक यानी कि एपेक्स बैंक इसी को हम बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक के नाम से जानते हैं बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक सभी बैंकों का बैंक के नाम से जानते हैं इसकी स्थापना कब हो रही है भैया इसकी स्थापना हो रही है एक अप्रैल 1935। इसके लिए कमिटी बनाई जाती है जिस कमिटी का नाम क्या है शाही कमिटी या मैं कहूं हिल्टन यंग कमिटी कौन सी कमेटी हिल्टन यंग कमिटी इस कमिटी ने अपना रिकमेंडेशन कब दिया 1926 के अंदर इसके पहले भारतीय गवर्नर पहले भारतीय गवर्नर के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे सीडी देशमुख देखने को मिलेंगे फिलहाल इसके प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्ति कांता दास कौन हो जाएंगे शक्ति कांता दास गुगल गूगल के संस्थापक कौन लैरी पेज गूगल के संस्थापक कौन लैरी पेज स्थापना कब हो रही है 1998 अमेरिका की एक कंपनी होने वाली है सुंदर पिचाई सुंदर पिचाई इसके क्या होने वाले हैं सीईओ होने वाले और इसी के द्वारा इसी के द्वारा भैया क्या लॉन्च किया गया डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इसका मेन मकसद क्या है भैया इसका मेन मकसद है ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना ऑनलाइन जो फाइनेंशियल क्राइम होते हैं आर्थिक क्राइम फाइनेंस शेयर क्राइम्स होते हैं इसको रोकना इसका मेन मोटिव होने वाला है या मकसद होने वाला है इज दैट क्लियर बहुत सही बहुत सही ठीक है तो इसका मेन मकसद क्या होने वाला है जो ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं या ऑनलाइन आप लोगों ने फ्रॉड देखे होंगे कि भैया आप एक लाख रुपए जीत चुके हैं बट आपको पहले पांच हजार जमा करना पड़ेगा पहले पांच हजार जमा कराया जाएगा उसके बाद दस हजार जमा कराया जाएगा उसके बाद बीस हजार जमा कराया जाएगा है ना तो सारी चीजों को जमा कराया जाएगा ठीक है चलो भैया अगला प्रश्न बहुत सही ठीक है बताओ 2024 में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन की मेजबानी करेगा विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट इन 2024? लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट जल्दी अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं भैया टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या मैं कहूं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ये कौन होने वाला है ये होने वाला है चाइना कौन होने वाला है चाइना होने वाला है आपको बताना है दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल के ऊपर जो बैठक होने वाली है इसकी मेजबानी भारत भारत आंसर आ रहा है भैया भारत आंसर आ रहा है सभी का आंसर क्या आ रहा है भैया भारत आ रहा है ऑप्शन सी बहुत सही अगर मैं भारत का टेक्सटाइल हब कौन सा है तो भारत का अगर मैं टेक्सटाइल हब की बात करूं टेक्सटाइल हब की बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा सूरत होने वाला है कौन सा होने वाला है सूरत होने वाला है और याद रखना फरवरी 2024 में फरवरी 2024 में नई दिल्ली के अंदर नई दिल्ली के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट का आयोजन होने वाला है टेक्सटाइल इवेंट का आयोजन होने वाला है इस टेक्सटाइल इवेंट का नाम क्या होने वाला है भारत टेक्स भारत टेक्स दो हजार चौबीस नाम क्या होगा नाम होगा भारत टेक्स दो हजार चौबीस क्या नाम होगा भारत टेक्स दो हजार चौबीस बहुत सही 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 बढ़िया गजब चलो अगला बताओ क्या बोला है बोला है यूके रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच इंडियन स्टेट फॉर इट्स स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यूके ने हाल ही में अपने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय राज्य के साथ सहयोग किया है जल्दी बताओ जल्दी बताओ भैया कौन बताएगा जल्दी बताइए आंसर भी आ रहा है देखो भारत के अंदर भी एक मिशन चल रहा है जिसका नाम क्या है स्मार्ट सिटी मिशन ये मिशन कब आता है ये मिशन आता है 2015 के अंदर कि भैया हमें सौ स्मार्ट सिटीज बनाने सौ स्मार्ट सिटीज का निर्माण करता है ठीक है इसमें रैंकिंग भी होती है तो रैंक वन पे कौन सा स्मार्ट सिटी आ जाता है रैंक वन पे आ जाता है भुवनेश्वर कौन सा आ जाता है भुवनेश्वर आ जाता है पर यहां पे स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट देखो स्मार्ट सिटी में क्या होगा एक बेहतरीन सिटी में क्या होगा एक बेहतरीन सिटी में वही चीजें होंगी जो कि वहां पे रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाएंगी अरे भैया अच्छे रोड होंगे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज होगी अच्छी एजुकेशन होगा बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड होगा सारे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो कि भैया जरूरत पड़ती है देखो इंदौर तो है भैया है इंदौर हुआ पुणे हुआ ठीक है ये कुछ ऐसे स्मार्ट सिटीज है जो कि स्टार्टिंग में बनाए गए थे है ना ठीक है इंदौर पुणे आगरा वाराणसी चेन्नई ये सारे ऐसे स्मार्ट सिटीज लिख लो इंदौर पुणे आगरा चेन्नई ये कुछ ऐसे स्मार्ट सिटीज है जिसको सबसे पहले बनाए गए थे ठीक है बट अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो भुवनेश्वर जो है टॉप रैंक पे ठीक है नया मिश्रा तो भैया बताओ बट यहां पे किसकी बात हो रही है यहां पे स्मार्ट सिटी की बात नहीं हो रही है यहां पे बात हो रही है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट की तो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट किस राज्य का है जिसमें यूके जो है वो फंडिंग कर रहा है जल्दी बताओ किसी का आंसर बी आ रहा है किसी का आंसर सी आ रहा है अले भैया ये हो जाएगा कौन सा तमिलनाडु और तमिलनाडु में सरकार किसकी है हमारे एम के स्टालिन जी की सरकार है किसकी है एम के स्टालिन जी की सरकार है और यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया है और इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो यूके है भैया यानी कि यूनाइटेड किंगडम ये क्या कर रहा है भैया इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे भैया पीएम के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे ऋषि सुनक जी देखने को मिलेंगे कौन ऋषि सुनक अच्छा भैया ऋषि सुनक किसके दामाद है बच्चा ऋषि सुनक किसके दामाद है ऋषि सुनक ऋषि सुनक किसके दामाद है ऋषि सुनक दामाद है भैया किसके हमारे किसके भैया जल्दी बताओ जल्दी बताओ किसके नारायण मूर्ति के किसके दामाद है नारायण मूर्ति के दामाद है और नारायण मूर्ति कौन है भैया नारायण मूर्ति जो है ये सुधा मूर्ति के हस्बैंड है कौन है सुधा मूर्ति के हस्बैंड है सुधा मूर्ति के हस्बैंड है साथ ही साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी सुना होगा आपने इंफोसिस नाम की कंपनी के संस्थापक है एक क्वेश्चन यहां से बना देता हूं इन्फोसिस के नए ब्रांड एंबेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है जल्दी बताओ इन्फोसिस के ब्रांड अंबेडर के रूप में लिख लो भैया किसकी स्वैटिक की नियुक्ति हुई है साथ ही साथ रफल नडाल की नियुक्ति हुई है रफल नडाल की नियुक्ति है तो क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाता है भैया ठीक है क्वेश्चन ऐसे लपेट के बना दिया जाता है लपेट के बना दिया जाता है तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा क्या कह रहा है भैया ये तो बताना ही पड़ेगा वरना नहीं चलेगा और सेशन को शेयर करते चलो भैया अगर आपको लग रहा है सेशन से कुछ फायदा मिल रहा है तो ताड़ा ताड़ी सेशन को शेयर कर दो क्या कह रहा है भैया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसेंटली होस्टेड यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट मीटिंग भैया यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र इसके बारे में किसको नहीं पता भैया जरा हाथ उठाना नहीं पता जरा हाथ उठाना चलो यूनाइटेड नेशन यानी कि क्या हो जाएगा भैया संयुक्त राष्ट्र स्थापना कब हो रही है भैया 24 अक्टूबर 1945 यानी कि हो ना हो 24 अक्टूबर को इसने अपनी स्थापना दिवस मनाई होगी अपनी भैया स्थापना दिवस तो जरूर मनाई होगी ठीक है भैया हैप्पी वाला बर्थडे मनाया होगा अगर मैं पूछूं संयुक्त तो राष्ट्र की स्थापना हुई 1945 में इसका काम क्या है भैया इसका काम है शांति एवं सुरक्षा यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी इसका काम है तो आप कहोगे गुरु जी आप कहोगे गुरु जी 1945 के बाद ही जरूरत पड़ी थी क्या हमें शांति सुरक्षा की इसके पहले जरूरत नहीं पड़ी थी अरे जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी जरूरत तो पड़ी होगी क्योंकि 1914 में हुआ था पहला 1914 से 1918 के बीच में भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर शांति होता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं होती तो भैया देखो इससे पहले भी शांति सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा था किसके द्वारा नेशंस के द्वारा किसके द्वारा लीग ऑफ नेशंस के द्वारा अब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो बहुत ज्यादा बातें हो जाएंगी ठीक है एक डेढ़ घंटा बातें चलेंगे इसके बारे में करंट अफेयर्स के जैसे अगर मैं इस ईयर के पीसीएस के एग्जाम की बात करूं तो लगभग तीस क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स के पीसीएस की बात करूं अपर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग तीस क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है अब क्या हो रहा है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट मीटिंग फॉरेस्ट मीटिंग कहां पे भैया हमारा देहरादून पे देहरादून देहरादून भैया क्या याद रखना देहरादून जो है ये क्या हो जाएगा ये विंटर कैपिटल होने वाला है ये भैया क्या होने वाला है विंटर कैपिटल किसका उत्तराखंड का उत्तराखंड का विंटर कैपिटल देहरादून क्या देहरादून तो समर कैपिटल क्या गुरुजी तो समर कैपिटल हो जाएगा गैरसेन क्या हो जाएगा इसका कैपिटल अरे गुरुजी सीएम के रूप में आपको पुष्कर सिंह धामी देखने को मिलेंगे कौन पुष्कर सिंह धामी आपको यहाँ सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे यहीं पे भैया ऋषिकेश देखने को मिलेगा यहीं पे ऋषिकेश देखने को मिलेगा जिसको हम योगा सिटी कहते हैं क्या कहते हैं योगा सिटी इसी ऋषिकेश में क्या बन रहा है बजरंग सेतु क्या बन रहा है बजरंग सेतु का निर्माण भी किया जा रहा है बजरंग सेतु का निर्माण तो देहरादून के एफ आर आई में लिख लो भैया देहरादून के एफ आर आई के अंदर किसके ऊपर बैठक हो रही है तो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की बैठक हो रही है गुरमीत सिंह राज्यपाल बहुत सही गुरमीत सिंह राज्यपाल बहुत सही अगला क्वेश्चन आओ चलो भैया श्रद्धांजलि फ्लाईओवर बताओ बताओ भैया श्रद्धांजलि फ्लाईओवर बोला है हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया है? चलो संतोष कुमार यादव ये कौन है भैया भारत के अंदर जो नेशनल हाईवेज हैं उसको कौन बनाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन बनाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आएगी रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आएगी यानी कि भैया परिवहन ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आएगी यानी कि मैं बात कर रहा हूं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ये आने वाली है भैया ठीक है और परिवहन मंत्रालय के कर्ता धर्ता कौन हो जाएंगे नितिन गडकरी कौन हो जाएंगे नितिन गडकरी जो है ये होने वाले हैं और इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रेजेंट में जो पर्सन है वो कौन हो जाएंगे भैया तो प्रेजेंट में जो या चेयरमैन है वो है संतोष कुमार यादव अच्छा भारत के अंदर सड़कों दुनिया के अंदर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किसके पास किसके पास किसके पास? किस पास बताओ सबसे बड़ा रोड नेटवर्क यूएसए के पास भारत के पास कितना है भैया भारत के पास लगभग चौसठ लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है कितना चौसठ लाख किलोमीटर का और भारत दूसरे पायदान पे नितिन गडकरी भैया परिवहन मंत्रालय परिवहन मंत्रालय किसके पास नितिन गडकरी जी के पास याद रखिएगा नितिन गडकरी जी की एक बायोपिक भी आने वाली है एक भैया बायोपिक भी आने वाली है गुलाब चंद्र कटारिया असम के गवर्नर हो जाएंगे असम के भैया गवर्नर कौन गुलाब चंद काटे कटारिया तो भैया हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का निर्माण कहां पे हुआ है इनमें से कहीं नहीं हुआ है इनमें से किसी के भी द्वारा भैया उद्घाटन नहीं किया गया जल्दी बताओ किसके द्वारा उद्घाटन किया गया बताओ भैया बहुत बताओ बहुत बताओ 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 बताइए बताइए कल भाई साहब सोते सोते जो मैं डरा हूं सोते सोते मैं अपने ही चेहरा दिख के डर गया देखो मैं जहाँ सोता हूँ मेरे ठीक सामने एक अलमीरा होता है और मैं अचानक से मेरी नींद खुली मैं सोचा पानी पी लेता हूँ देखा भैया एक काला काला सा कौन दिख रहा है सामने अब वो अलमीरा में मैं ही दिख रहा था एग्जामपुर का टी शर्ट पहन के सोया हुआ था मैं ठीक है तो जो खतरनाक मैं डरा हूं तो अब से मैं क्या कर रहा हूं अब से मैंने सुना है ठीक है आपसे मैं छुरी लेके तकिया के नीचे सोया करूंगा जन्नत असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा बहुत सही देखो भैया इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है लिख लो एक ही का आंसर आया बाकी लोग भैया पता नहीं क्या कर रहे हो हेमंता विश्व शर्मा कौन हेमंता विश्वा शर्मा जी के द्वारा भैया श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है याद रखना यह असम का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर असम का लिख लो असम का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर सबसे बड़ा फ्लाईओवर होने वाला है ठीक है अगला क्वेश्चन आओ बहुत सही लाइट ऑफ करके सोया भैया लाइट ऑफ करके सोया था रिफ्लेक्शन आ गया चलो बताओ भैया आओ आइए आइए भैया बताइए एस यानी कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप में से कौन कौन से लोग जानते हैं आओ भैया देखो बोल रहा है एससी के शासन अध्यक्षों की परिषद की बाईसवीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया कर रहा है भैया प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है यानी कि भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है देखो पहले बात करते हैं एससीओ यानी कि शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन किसकी शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हो रही है भैया स्थापना कब हो रही है 2001 के अंदर किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है रशिया और चाइना के द्वारा मुख्यालय कहाँ है गुरुजी? मुख्यालय हो जाएगा बीजिंग चाइना कहा बीजिंग चाइना के अंदर ठीक है 2017 में क्या हुआ 2017 में भैया भारत और पाकिस्तान इससे जुड़ गए इंडिया और पाकिस्तान इससे कब जुड़े भैया इंडिया और पाकिस्तान इससे जुड़ रहे हैं 2017 के अंदर इसकी ऑफिशियल भाषा क्या है इसकी ऑफिशियल भाषा या मैं लैंग्वेज की बात करूं तो भैया रशियन और चाइनीज है क्या है रशियन और चाइनीज है अब बोला है भैया अब बोला है कि भैया बोला है कि एस की जो बाईसवीं बैठक है ठीक है काउंसिल ऑफ हेड्स की तो इसमें भारत की मेजबानी कौन कर रहा है तो भारत के विदेश मंत्री कौन एस जयशंकर साहब है ना विदेश मंत्रालय कौन संभालते हैं विदेश मंत्रालय या मैं कहूं फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री कौन संभालते हैं तो एस जयशंकर साहब रुचिरा काम्बोज ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करती है भारत को रिप्रेजेंट करती है कहां पे संयुक्त राष्ट्र के अंदर यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर कहां पे भैया यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सही टोटल मेंबर्स की संख्या भैया दस और एक एक कौन सा हुआ है भैया ईरान इसका नया मेंबर बना है कौन ईरान इसका नया मेंबर बना है आरो यारो के लिए करंट अफेयर्स कहां से पढ़े अरे भैया हम पढ़ा तो रहे हैं है? पढ़ा तो रहे हैं भैया चलो तो भैया एस जयशंकर साहब कहां पहुंच गए हैं किर्गिस्तान कहां पहुंच गए हैं किर्गिस्तान पहुंच गए हैं एस की एसओ की बाईसवें नंबर वाली काउंसिल ऑफ हेड्स की बैठक के लिए काउंसिल ऑफ हेड्स की बैठक के लिए अगला क्वेश्चन आओ भैया तुम लोग लपेट नहीं रहे हो क्वेश्चन को है जल्दी जल्दी बताओ सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी चलो वे आओ क्या बोल रहा है मिशन महिला सारथी मिशन महिला सारथी अरे सारथी कौन है आपका श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी कौन थे अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण श्री कृष्ण क्या चला रहे थे रथ चला रहे थे या हो ना हो ये जो ये जो मिशन लॉन्च किया है इसमें भैया जिस चीज में आप बैठने वाले हो चंदन चंदन एक मिनट रुक जाओ भैया एक मिनट रुक जाओ बस एक मिनट रुक जाओ मुझे एक मिनट दे दो आ आ गया गया, आ गया आ गया। चलो भैया अब क्लियर आ रहा है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं भैया जल्दी बताओ क्या मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूं जल्दी बताइए एक बार अतुल पंडित बहुत सही तो भैया हो ना हो ये जो स्किम है इसके अंदर भैया मेरा कोई और सारथी होगा तो सारथी कौन तो देखो याद रखो हाल ही में भैया जो योगी जी हैं जो योगी आदित्यनाथ हैं इन्होंने भैया उत्तर प्रदेश के अंदर इक्यावन बसेस को लॉन्च किया है कितने बसेस इक्यावन बसेस को लॉन्च किया है और ये जो इक्यावन बसेस होने वाले हैं ये जो इक्यावन बसेस होने वाले हैं याद रखना भैया ये इसमें ड्राइवर भी महिला होगी इसमें भैया ड्राइवर भी महिला होगी और इसमें भैया कंडक्टर भी महिला होने वाली तो कुल मिलाकर बात किसकी की जा रही है कुल मिलाकर बात हो रही है वुमेन सेफ्टी की किसकी बात हो रही है वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है महिला की सुरक्षा साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त बनाना यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट तो महिलाओं को सशक्त बनाना भैया इसका मेन मकसद है साथ ही साथ महिलाओं को सुरक्षित रखना भी इसका मेन मकसद है तो भैया उत्तर हो जाएगा आपका अच्छा उत्तर तो है नहीं लगा लो भैया ऑप्शन ई उत्तर प्रदेश बताओ मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कौन सा स्कीम आया भैया लाडली बहना कौन सा लाडली बहना उत्तराखंड में भैया लखपति दीदी उत्तराखंड में कहा कौन सा लखपति दीदी योजना लखपति दीदी योजना राजस्थान में इंदिरा गांधी राजस्थान में इंदिरा गांधी प्री स्मार्टफोन योजना क्या कह रहे राजस्थान जा रही हूं मैं है क्या, क्या कह रहे राजस्थान जा रही हूं मैं हां भैया बहुत सही चलो आओ भैया आओ अगला क्वेश्चन हाँ भारत के चुनाव आयोग ने किससे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है Who has been appointed recently as its national icon by the Election Commission of India? भारत के अंदर भैया चुनाव कराने का काम किसका इलेक्शन कमीशन का किसका भैया इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको भैया तीन मेंबर्स देखने को मिलेंगे एक कौन हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हो जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर एक हो जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर क्लियर है क्या क्लियर है भैया इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे आपको कौन राजीव कुमार लिख लो लिख लो राजीव कुमार राजीव कुमार देखने को मिलेंगे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भैया यहां पे आपको अनुप चंद्रा देखने को मिलेंगे कौन अनुप चंद्रा देखने को मिलेंगे और भैया यहां पे आपको अरुण गोयल देखने को मिलेंगे कौन अरुण गोयल देखने को मिलेंगे क्लियर बात तो इलेक्शन बा... कमिशन के अंदर आपको तीन मेंबर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर याद रखना इन तीनों की पावर से सेम होती है इन तीनों की पावर क्या है सेम होती है आप बोले सर तीनों की पावर अगर सेम है तो कल को कोई डिसीजन में अगर फंस जाएगा तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा तो डिसीजन लिया जाएगा दो एक से दो एक से डिसीजन लिया जाएगा आपने बोला कि भैया दो लोगों ने बोला हाँ तो हाँ दो लोगों ने बोला ना तो ना दोनों की सैलरी भी सेम सब कुछ सेम इनको अपॉइंट कौन करते हैं भैया इनको नियुक्त कौन करते हैं तो ऑब्वियसली संविधानिक पद है तो देश के प्रेसिडेंट बट इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है तो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं देश के प्रधानमंत्री साथ ही साथ ऑपोजिशन का लीडर ऑपोजिशन का लीडर साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डी वाई चंद्रचूड़ जी डी वाई चंद्रचूड़ जी तो ये तीनों भैया ये इंपॉर्टेंट है रिसेंटली भैया इसमें बदलाव हुए हैं तो भैया आपको याद रखने हैं इनके इलेक्शन में ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं अब क्या बोला है पांच राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन के लिए भैया नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है ऐसा इसलिए किया जाता है भैया एक बार बताओ शाहरुख खान अजय देगवन और भैया अक्षय कुमार ने बोला कि आपको इलायची खानी है तो भैया इलायची की सेल बढ़ गई क्योंकि आप लोग उनको अपने दिल के बहुत ही करीब रखते हो आपने बोला हो ना हो अगर शाहरुख खान ने इलायची खाया है तो भैया मेरे को दो दाना तो खाना ही पड़ेगा उस चक्कर में लोग गुटका भी खाना शुरू कर दिए खैर उस बारे में बातें नहीं करें तो भैया नेशनल आइकन इसलिए रखा जाता है ताकि भैया जिस व्यक्ति को आप आइडियोलाइज करते हो जिस व्यक्ति को अपना आइकन मानते हो अगर वो कुछ बात कह रहा होता है तो आप उसे सुनते हो नी मेरी बात तो थो थोड़ी ना सुनोगे तुम बट शाहरुख खान सलमान खान या बड़े बड़े लोग जब कुछ बातें कहते हैं तो आप सुनते हो क्योंकि आप उनको आइडियोलाइज करते हो अब हुआ क्या देखो बात को समझना हुआ ये कि पांच राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं अब इलेक्शन होने वाले हैं तो ये काम इलेक्शन कमीशन का है ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो ऐसे ऐसे मुहिम चलाए जिससे भैया ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो भाग ले किसमें इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग दिया क्या ले भाग ले इलेक्शन में अब हुआ क्या बात को समझिएगा हुआ ये कि साल 2022 के अंदर साल 2022 के अंदर इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंकज त्रिपाठी अब पंकज त्रिपाठी ब्रैकेट में भैया लिख लो कालीन भैया कौन कालीन भैया इनको नियुक्त किया गया था किसके द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा एज नेशनल आइकन बात क्लियर उसके बाद भैया साल 2023 में जब महीना चल रहा था सितंबर का तब इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा सचिन रमेश तेंडुलकर मैं कहूं सचिन तंडुलकर को नियुक्त किया गया था एज नेशनल आइकॉन बात क्लियर अब भैया जैसे ही साल 2023 का अक्टूबर महीना आया तो भैया इस अक्टूबर महीने में जो इलेक्शन कमीशन है इसके द्वारा भैया राजकुमार राव किसको राज कुमार को राजकुमार राव को भैया नेशनल आइकन बनाया गया है नेशनल आइकन बनाया गया है किसका इलेक्शन के लिए ठीक है नेशनल आइकन बनाया गया किसके लिए नक्शे कालीन भैया बहुत सही ठीक है तो भैया उत्तर कौन सा हो जाएगा जो लेटेस्ट वाला लेटेस्ट वाला न्यूज कौन सा है भैया राजीव कुमार याद रखिएगा भैया यहीं पे छापो छापो भैया यहीं पे सचिन रमेश तेंडुलकर स्माइल इंडिया के भी स्माइल इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर है साथ ही साथ याद रखना सचिन तेंडुलकर ग्लोबल ब्रांड एंबेसिडर ग्लोबल ब्रांड अंबेसडर है किसके भैया वर्ल्ड कप, कप 2023 के वर्ल्ड कप 2023 के शाहरुख खान देखो ध्यान से शाहरुख खान भैया किसके हैं लिख लो शाहरुख खान जो है अगर सिर्फ लिखे ब्रांड अंबेडर ऑफ वर्ल्ड कप 2023 अगर लिखिए ब्रांड अंबेसडर ऑफ वर्ल्ड कप 2023 तो आप क्या लगाओगे शाहरुख खान बट ग्लोबल शब्द आ जाए तो भैया लिख देना सचिन तेंदुलकर हाल ही में भैया लेस के ब्रांड एंबेसिडर हाल ही में जियो मार्ट के ब्रांड एंबेसडर किसको बनाए गए एमएस धोनी को किसको एम एस धोनी को साथ ही साथ छापो लॉरियाड के ब्रांड एम्बेडर लॉरिया के ब्रांड एम्बेसिडर किसको बनाया गया भैया नीरज चोपड़ा को किसको नीरज चोपड़ा को साथ ही साथ मैंने आपको बताया इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसिडर किसको रफेल नडाल और ईगाटी को ये सारी बातें लपेट लो नेहा मिश्रा अब कंफ्यूज हो रही हूँ मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हो हो रही हो लल्ला कंफ्यूज क्यों रही देखो नेशनल आइकन एक से ज्यादा व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता क्या हा? आपके आइकन एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते हैं सपोज मैं एक क्रिकेटर हूं तो क्या सिर्फ मुझे विराट कोहली पसंद आ सकते हैं क्या मैं सिर्फ विराट कोहली को आइडियोलाइज कर सकता हूं नहीं मैं विराट कोहली सचिन तेंदुलकर सपोज मुझे बी कट मुझे स्क्वायर कट खेलना जब पसंद आता है तो मैं स्क्वायर कट के लिए फलाने प्लेयर को अच्छा मानता हूँ मुझे स्ट्रेट ड्राइव खेलना है तो मैं सचिन तेंडुलकर को आइडोलाइज करता हूँ है ना मुझे शॉट पुल मारना होता है तो भैया रिकी पॉइंटिंग या रोहित शर्मा को मैं आइडोलाइज करता हूँ तो नेशनल आइकन बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है तो एकदम नया नवीला अगर देखो अगर आपको क्वेश्चन में सचिन तेंडुलकर भी दे पंकज त्रिपाठी देखो पंकज त्रिपाठी तो पिछले साल की बात है अगर ये दोनों दे तो राजकुमार राव ही लगाना क्योंकि राजकुमार राव एकदम ताजा भड़कता बने भड़कता। इस समय पंक... बहुत अंशिका पंकज त्रिपाठी ने है कितनी बार बोल पंकज त्रिपाठी जी को पिछले साल बनाया गया था इस समय राजकुमार राव है और इससे ठीक एक महीने पहले किसको बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को ठीक है कंफ्यूज ना करो ना करो नक्को हे भगवान सम्राट दोनों सेम चीज बने हैं बच्चा है ना ये तीनों सेम चीज है सचिन टंडुलकर सितंबर के महीने में बनाए गए थे नेशनल आइकन ठीक है किसके भैया इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंकज त्रिपाठी पिछले साल राजकुमार राव एकदम तड़कता भड़कता तो क्वेश्चन में अगर ये दोनों आ जाए ना तो जो नया वाला है वही लगाना जो नहा वाला है यही लगाना कंफ्यूज ना करो न ठीक है हे भगवान राजकुमार राव सही है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राजकुमार राव को अभी बनाया गया था ठीक है ना 26 अक्टूबर को बनाया गया था तुम लोग भी क्या कर रहे हो 26 अक्टूबर को बनाया गया था ठीक है देख लो राव राजकुमार राव को 26 अक्टूबर को ही बनाया गया था एकदम तड़कता भड़कता ये न्यूज अगला क्वेश्चन तुम लोग एक ही क्वेश्चन में मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो बाकी चीजें कैसे लपेटेंगे ठीक है देखो राजकुमार राव अपॉइंटेड एज अ नेशनल आइकोन ऑफ इलेक्शन कमीशन ठीक है अगला क्वेश्चन बताओ अच्छा भैया चलो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है तो वन लाइनर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्या बोला है देखो भारतीय रेलवे ने कश्मीर की खूबसूरत घाटी में हर मौसम में चलने वाली ग्लास सीलिंग एसी ट्रेन विस्टाडोम कोच लॉन्च किया भैया क्या हुआ है देखो बात को अगर मैं रेलवेज की बात करूं अगर मैं रेलवे की बात करूं तो भैया रेलवेज वाला मंत्रालय कौन संभालते हैं अश्विनी वैष्णव कौन अश्विनी वैष्णव जी संभालते हैं अब भैया क्या हुआ है जो इंडियन रेलवे है इसने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक ऐसा कोच ट्रेन तो वही है उसके अंदर एक ऐसा कोच लॉन्च किया है भैया जिसे हम क्या कह रहे हैं विस्तर डोम कह रहे हैं जो कि भैया हर मौसम में चलेगी और देखो कितनी खूबसूरत दृश्य नजर आ रहे हैं देख रहे हो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है अरे भैया दो का कंसेप्ट है ये ये कंसेप्ट किसका है 2017 का कहां का आंध्र प्रदेश में सबसे पहली बार इसको लॉन्च किया गया था और अब जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सही ठीक है चलो भैया अगला प्रश्न देखें हम्म एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक भैया क्या कर रहा है ये लगा रहा है वन सेवेंटी फाइव मिलियन डॉलर्स और ये पैसा कहां पे लगेगा ये पैसा लगेगा मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर भैया ये पैसा किस चीज में लगेगा तो कनेक्टिविटी को सुधारने में यानी कि सड़क बनेगी यानी काम बनेगा सड़क बनेगा और कैसा सड़क बनेगा ऐसा सड़क जहां पे भैया जहां पे पर्यावरण को दूषित नहीं किया जाएगा यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कहां पे मध्य प्रदेश पैसा कौन एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्राट भाई गूगल करने जा रहे हैं सर गूगल करने क्यों जाएंगे गूगल करने जा रहे हैं और गूगल करने में अगर ये बात जो मैंने आपको बताई ये तो मैंने बिल्कुल आपको सही बताई ठीक है बाकी अगर गूगल करने की जरूरत पड़े तो इसमें खराब बात क्या है ठीक है अगर कभी भी याद रखना ठीक है किसी को भी किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए ठीक है कभी भी याद रखना कभी भी किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए अगर आपको कोई चीजें नहीं आती है तो आप साफ कह दो चाहे आप टीचर हो चाहे आप स्टूडेंट हो या आप किस भी लेवल पे बैठे हो अगर आप कोई चीज नहीं आती है या आपको उस चीज की अधूरी जानकारी है तो वो जानकारी किसी को ना दे ठीक है तो इसमें कोई गलत बात नहीं बट के अभी तक मैंने गूगल नहीं किया बहुत सही यहां पे एक्चुअली मेरा कंप्यूटर रखा हुआ है ठीक है ना तो मुझे यहां आना पड़ता है आपके कमेंट्स को देखने के लिए ठीक है चलो भैया अंथुरियम फेस्टिवल पे मिजोरम के अंदर मिजोरम के अंदर कौन सा फेस्टिवल लिख लेता हूं अगला वन लाइनर न्यूज क्या है भैया लॉसेनिया के अंदर बच्चा को समझो लॉसेनिया के अंदर भैया लगातार क्या हो रहा था यहां के जो फॉरेस्ट है वहां पर फायर लगा हुआ था यानी कि फॉरेस्ट फायर का सिचुएशन यहां पर था तो अब ये फॉरेस्ट फायर से धुआं इतना हुआ कि धुआं धुआं हो गया और ये धुआं उत्पन्न होके भैया क्या बन गया फॉग इसको साइंटिस्ट ने क्या कहा सुपर फॉग का ठीक है सुपर फॉग कहां पे लॉसीनिया के अंदर अगला भैया श्रीलंका श्रीलंका की हालत तंग श्रीलंका का भैया हालत तंग है मुझे भी ये श्रीलंका और भारत के बीच में एक्सरसाइज कौन कौन से होते हैं जल्दी फटाफट फड़ कमेंट बॉक्स में छाप देना फटाफट फड़ छाप देना अब भैया क्या हो रहा है श्रीलंका की हालत तंग है तो श्रीलंका ने बोला कि भैया देखो मैं एक ऑफर निकालता हूं जनरली ऑफर निकाला जाता है दिवाली ऑफर है दिवाली ऑफर तो भैया श्रीलंका ने दिवाली ऑफर निकाला बोला भैया इकतीस मार्च तक इकतीस मार्च तक सात देशों के लिए ऑफर निकाला कि भैया आप लोग हमारे यहां पे आइए हमारे यहां पे आने के आपके वीजा नहीं लगेंगे यहां पे भैया वीजा नहीं लगेंगे कब तक 31 मार्च तक वो सात देश कौन कौन से हैं इंडिया चाइना रशिया मलेशिया जापान इंडोनेशिया एंड थाईलैंड ठीक है क्वेश्चन कैसे पूछेगा हाल ही में हाल ही में श्रीलंका ने 31 मार्च तक वीजा फ्री कर दिया था इनमें से कौन से देश इसमें शामिल नहीं है तो भैया इंडिया चाइना रशिया और चौथा ऑप्शन दे देगा यूएसए तो आंसर क्या लगा दोगे यूएसए लगा दोगे ठीक है स्लाइनेक्स मित्रा शक्ति श्रीनेक्स नहीं होगा हिमांशु यादव स्लाइनेक्स होगा कौन सा ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आओ बताओ भैया यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य का कासरगोड़ जिला हाल ही में अपने स्वयं के पेड़ फूल पक्षी और प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया अरे भैया सर हमने राज्य का एनिमल सुना हमने राज्य का एनिमल सुना राज्य की पक्षी पुनी, सुनी देश का एनिमल देश के पक्षी सुनी अरे जिला वाला पक्षी जिला वाला पेड़ जिला वाला पशु घोषित करने वाला हिमांशु रावत ने लपेट दिया बहुत सही पिनरई विजयन कहाँ के सीएम हो जाएंगे पिनरई विजयन सीएम हो जाएंगे भैया कहां के तो केरला के विजयन कहा के सीएम हो जाएंगे केरला के हो जाएंगे और यहीं पे क्या हुआ है खुद की ट्री खुद का फ्लावर खुद का बर्ड खुद की स्पीसीज इसको भैया क्या किया गया है दर्जा दिया गया है यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्री डिस्ट्रिक्ट फ्लावर डिस्ट्रिक्ट बर्ड डिस्ट्रिक्ट स्पीसीज ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इनको संरक्षित किया जा सके केरला में पाए जाने वाले ऐसे देश सॉरी केरला के कासरागोड़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले ऐसे ट्री ऐसे फ्लावर ऐसे बर्ड ऐसे स्पीसीज जिनकी तादाद लगातार कम हो रही है उनको पूरी दुनिया के सामने लेके आना पड़ेगा तो दुनिया के सामने या पूरे देश के सामने कैसे लाया जाएगा तो भैया ऐसा कुछ करके है ना भैया अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो ना क्यों पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहे हो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आया या ऐसा सिचुएशन पहली बार आया कि किसी जिले ने अपना खुद का ट्री एनिमल बर्ड कंफर्म कर दिया है तो ऐसा उसने इसलिए किया है ताकि लोग जो है लोगों के नजर में ये चीजें आए और इनका कंजर्वेशन किया जा सके इनका क्या किया जा सके कंजर्वेशन यानी कि इनको सुरक्षित रखा जा सके ठीक है ठीक है चलो अगला बताओ भैया ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक जल्दी बताओ जल्दी बताइए साथ ही साथ सेशन को शेयर करते चलिए भैया जल्दी बताओ ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है भैया सफाई फाई सफाई फाई की बातें कर रहे हो सुबह सुबह है, है? जल्दी बताओ चौबीस से इकतीस बहुत सही चौबीस से इकतीस चौबीस से इकतीस को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक इसका सेलिब्रेशन भैया ये इसका कौन सा संस्करण है याद रखना ये इसका पांचवा संस्करण है कौन सा संस्करण है ये इसका पांचवा संस्करण है इसका सेलिब्रेशन करता कौन है भैया यूनेस्को कौन करता है यूनेस्को यूनेस्को क्या है गुरुजी तो याद रखना यूनेस्को क्या हो जाएगा लिख लो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं पूछूं ये जो यूनेस्को है सिंपल दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यह पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना साइंस को और कल्चर को बढ़ावा देने का काम करता है मुझे कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा कि भैया ये संयुक्त राष्ट्र के लिए तो काम करते ही है बट संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के लिए काम करता है मुझे कमेंट बॉक्स में कौन बताने वाला है जल्दी बताओ यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के लिए तो काम करता है पर संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख अंग के लिए काम करता है देखो संयुक्त राष्ट्र के ना आपको छह प्रमुख अंग देखने को मिलेंगे कितने छह प्रमुख अंग देखने को मिलेंगे छह प्रमुख अंग देखने को मिलेंगे दिन में से भैया पहले नंबर पर लिख लो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जिसे हम लघु संसद के नाम से जानते हैं जिसे हम लघु संसद उसके बाद भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहां पे पांच परमानेंट मेंबर्स और दस नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने सालों के लिए दो सालों के लिए और ये जो पांच परमानेंट मेंबर्स है इनके पास क्या है विटो पावर तीसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप चौथे नंबर पे यूनाइटेड नेशंस सेक्रिटेरियट पांचवे नंबर पे बच्चा यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और छठे नंबर पे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब मैंने ये छह चीजें आपके सामने इसलिए लिखी क्योंकि याद रखिएगा बच्चा याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का इकलौता ऐसा प्रमुख अंग जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है वो कौन सा हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मुख्यालय आपको नीदरलैंड के हेक में देखने को मिलेगा कहां पे नीदरलैंड के हेक के अंदर देखने को मिलेगा अब मेरा आपसे प्रश्न था कि यूनेस्को भैया संयुक्त राष्ट्र के लिए तो काम करता है बट संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख अंग के लिए काम करता है क्योंकि प्रमुख अंग तो है नहीं भैया ये प्रमुख अंग तो है नहीं ये काम करेगा किसके लिए तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्लियर है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बहुत सही हिमांशु रावत पंकज यादव बहुत सी प्रतिभा चौहान ठीक है क्लियर हुआ क्लियर हुआ चलो आओ बताओ भैया कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है बहुत सही जल्दी भैया बैंकों की बात आ रही है तो और लपेटे बैंकों को अगर बैंकों की बात हो रही है तो मुझे बताओ भारत के अंदर भैया आपको दो प्रकार के बैंक एक तो प्राइवेट बैंक और एक भैया आपको गवर्नमेंट बैंक गवर्नमेंट बैंक की संख्या भैया बारह प्राइवेट बैंक की संख्या भैया इक्कीस सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक मतलब उसकी बिल्डिंग सबसे बड़ी है नहीं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है अरे अंबानी बड़ा क्यों अंबानी देश के अंदर नंबर वन पे क्यों क्योंकि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा ठीक है तो भैया सबसे बड़ा बैंक अगर पूछूं कौन सा प्राइवेट बैंक तो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भैया कौन सा एस डी एफ सी कौन सा एस डी एफ सी ठीक है सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा एस बी आई बट अगर मैं यहीं पे दुनिया की बात करूं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बैंक दुनिया की बात करूं तो नंबर वन पे कौन सा जेपी मॉर्गन कौन सा जेपी मॉर्गन उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका बैंक ऑफ अमेरिका और सातवें नंबर पे भैया एस डी एफ सी सातवें नंबर पे एस डी एफ सी क्लियर ठीक है अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा नए सीईओ तो भैया नए सीईओ बता दो इनको कौन से तो भैया अगर मैं बात करूं दिनेश कुमार खारा ये किसके हो जाएंगे ये हो जाएंगे एस के अटानू चक्रवर्ती भैया ये कहा के एस डी एफ सी के एफ डी एफ सी के और अशोक वासवानी जो है भैया ये हो जाएंगे ये हो जाएंगे भैया कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक महिंद्रा बैंक संदीप बख्शी भैया आई सी आई बैंक आईसीआई के हो जाएंगे क्लियर है बहुत सही निशु सिंह आशीष मौर्या मधु कुमारी पंकज बहुत सही भैया बढ़िया 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 अगला बताओ भैया निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व 2023 के शीर्ष दो प्रतिशत विज्ञानिकों का डेटा जारी किया दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे साइंटिस्ट में भैया सभी साइंटिस्ट भैया अपनी थीसिस लिखते हैं मतलब अपनी अपनी जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में चीजों को लिखते हैं उन जो प्रोजेक्ट्स होता है या वो जो थीसिस होती हैं या वो जो पेपर होता है वो पेपर पब्लिश होते हैं अच्छे होंगे तो पब्लिश होंगे जब पेपर पब्लिश होते हैं तो जो जानकारी उन्होंने अपनी पेपर में दी है उस जानकारी का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट का काम किया जाता है अब दुनिया के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से दो प्रतिशत साइंटिस्ट को चुना जाता है जिनके पेपर्स की मदद से डेवलपमेंट के काम हुए तो ये फिर से डेटा डेटा रिलीज रिलीज हुआ है आइए कौन किया है बच्चा तो ये डेटा रिलीज किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया के बेहतरीन दो प्रतिशत साइंटिस्ट की डेटा को रिलीज किया है जिसमें भारत के कितने साइंटिस्ट यहां पे शामिल है तो भारत के लगभग चौदह सो संतानवे है ना चौदह सौ संतानवे चौदह सौ चौरानवे है भारत के चौदह सौ चौरानवे साइंटिस्ट यहां शामिल है कितने भारत के चौदह सौ चौरानवे साइंटिस्ट भारत के चौदह सौ चौरानवे साइंटिस्ट यहाँ पे शामिल है ऑप्शन डी बहुत सही बहुत सही चलो अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी दे देखेंगे भैया बताओ हाल ही में भारत और मध्य एशिया देशों के एनसीए का सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ देखो क्या भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है बिल्कुल भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भारत के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उस पद पे कौन है तो आप कहोगे अजीत डोवाल कौन है अजीत डोवाल कहोगे बिल्कुल अब ये भारत के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तो भैया और भी देशों के पास होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कि भैया सिर्फ हमारे पास होगा नहीं सबके पास होगा हाँ जी सबके पास होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सबके पास होगा तो भैया जितने भी सेंट्रल एशियन देश हैं जितने भी सेंट्रल एशियन देश हैं इनके पास भी खुद का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होगा जैसे भारत के पास है अब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और सेंट्रल एशियन देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में बैठक हो रही है याद रखना बैठक हो रही है याद रखना इस बैठक का ये दूसरा संस्करण होने वाला है ये भैया इस बैठक का दूसरा संस्करण होने वाला है इस दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पे हो रहा है कजाकिस्तान कहां पे कजाकिस्तान ठीक है पहला संस्करण कहा हुआ था पहला संस्करण कहा हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर कब 2022 तो भारत के अंदर जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वैसे सेंट्रल एशियन देशों के पास भी होंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में बैठक हो रही है कौन से नंबर की दूसरे नंबर की पहला कहां हुआ न्यू दिल्ली दूसरा कहां कजाकिस्तान बात क्लियर कजाकिस्तान कजाकिस्तान भैया याद रखना तजाकिस्तान और अजरबैजान लिख लो तजाकिस्तान और भैया अजरबैजान अजरबैजान ठीक है तजाकिस्तान और अजरबैजान इनको हाल ही में डब्ल्यू एच ओ ने भैया क्या किया है मलेरिया फ्री घोषित किया है मलेरिया फ्री घोषित किया है देखो मेरे स्पेलिंग पे मत जाना कतई ठीक है बिल्कुल ठीक है चलो हम्म विक्रम एस मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्राइवेट प्राइवेटली लॉन्च रॉकेट क्या नाम था भैया प्राइवेटली डेवलप रॉकेट कौन सा था विक्रम एस किसकी थी स्काई रूट एरो अब इसी विक्रम एस या विक्रम वन को भैया लॉन्च किया जा रहा है 2024 के अंदर ठीक है लोअर अर्थ ऑर्बिट लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ये जाने वाला है ठीक है लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जाने वाला है कौन सी कंपनी का ये स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी किस टाइप की कंपनी है तो भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी भारत की क्लियर है प्राइवेट स्पेस कंपनी ये सभी देश भाई बहन क्या करो ये सब ना यूएसएसआर से अलग हुए थे बच्चा ठीक है जब यूएसएसआर टूटा था उससे अलग हुए थे तजाकिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान ठीक है ये सब यूएसएसआर टूटे थे चलो बताओ भैया यूनाइटेड नेशंस डे अभी बताया मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब 24 अक्टूबर 1945 काम क्या है शांति एवं सुरक्षा यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी शांति एवं सुरक्षा पीस एंड सिक्योरिटी ठीक है आगे वर्ल्ड पोलियो डे बताओ जरा वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है भैया एक घंटे से ज्यादा हो गया ना हमें पानी पी लिया जाए हाँ और भारतीय के विक्रम है विक्रम देश का पहला पहलाइट ऑकट वेकल बिल्कुल हाँ भैया पानी पी लिया जाए इस क्वेश्चन के बाद दो क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद पानी पी लेते हैं चौबीस अक्टूबर को क्या भैया वर्ल्ड पोलियो डे ठीक है बताओ सपनों का संचय सपनों का संचय ये क्या है भैया ये डिपॉजिट स्कीम ये क्या है ये एक डिपोजिट स्कीम है शुरू कौन कर रहा है शुरू कर रहा है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है सुखविंदर सिंह सुक्कू जी की सरकार है और यहां पे क्या शुरू हुआ सपनों का संचय ये एक डिपोजिट स्कीम है डिपोजिट लोन स्कीम है जो कि हिमाचल प्रदेश अपने यहां पे जो कॉपरेटिव बैंक है उसके साथ मिलकर कर रहा है उसके साथ मिलकर कर रहा है अगला क्वेश्चन हाँ भैया ए आई पावर्ड डाउट क्लियरेंस बोर्ड बताओ जरा डाउट क्लियरेंस बोर्ड भैया हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में भैया आंध्र प्रदेश के द्वारा आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी कौन वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी ये जो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी याद रखना बच्चा वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी है, है. हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी है ना भारत के अंदर जितने भी सीएम है भारत के अंदर जितने भी सीएम है उनमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है आंध्र प्रदेश के सीएम के पास और सबसे लास्ट में कौन थी सबसे लास्ट में फर्स्ट में ये सबसे लास्ट में कौन थी ममता बनर्जी तो बच्चों के लिए डाउट क्लियरेंस बोर्ड को लॉन्च किसने किया है आंध्र प्रदेश ने किसने आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया ठीक है आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है आरिफ मोहम्मद खान पीएची गौन बहुत सी दीक्षा दुबे ममता बनर्जी सबसे गरीब निशु चलो वन लाइनर न्यूज देख लेते हैं उसके बाद दो मिनट का ब्रेक लेंगे सिर्फ ठीक है समापन हो चुका है एशियन पैरा गेम्स समापन हो चुका है भारत के पास टोटल कितने मेडल है एक सौ ग्यारह सबसे ज्यादा मेडल किसके बाद चाइना के पास पांच सौ इक्यावन कितने पांच सौ इक्यावन उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति कैफे को शुरुआत की है मेन मकसद क्या है भैया महिलाओं को सशक्त बनाना साथ ही साथ भैया वहां पे जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको अच्छा एक पोषण वाला खाना मिल सके इस वजह से मिशन शक्ति कैफे को गोंडा में शुरुआत किया गया ये पूरी की तरह पूरी महिलाओं की द्वारा शुरू किया जाएगा और इसमें बच्चों के लिए खाना वाना बनाया जाएगा उसके बदले इनको पैसे ही मिलेंगे ठीक है अगला हाल ही में हमने एक न्यूज पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया और इंडिया और यूके ये लोग मिलके किसके लिए काम करेंगे समी कंडक्टर के ऊपर काम करेंगे किसके ऊपर समी कंडक्टर के ऊपर काम करेंगे अब भैया इंडिया और जापान भी इसके ऊपर काम कर रहा है इंडिया और जापान के बीच में सेम समझौता हुआ है सेम समझौता हुआ है है ठीक अगला क्वेश्चन अगला भैया सिंह बेदी पूर्व भारतीय खिलाड़ी इनकी हाल ही में क्या हो गई है देहांत हो गई है अगला दशहरा को भैया दशहरा को मैसूरू में नाडा हब्बा दसेरा के नाम से मनाते हैं और इसका क्या हुआ हाल ही में समापन हुआ है क्या हुआ है समापन हुआ है अगला ये कौन है भैया कंगना ये पहली महिला बनी है जिसने रावण दहन में पार्टिसिपेट किया पे लव कुश रामलीला मैदान न्यू दिल्ली ठीक है अगला अग्निवीर योजना आई थी भैया कुछ समय पहले अग्निवीर योजना चार सालों के लिए भैया तो अग्निवीर योजना के तहत पहले व्यक्ति या पहले अग्निवीर जिनका नाम क्या हो जाएगा गावते अक्षय कुमार इनका भी हाल ही में ये शहीद हो गए तो ये पहले अग्निवीर बने हैं बताओ यार हा? किसी की डेथ हो रही है और हम किसी की डेथ हो रही है और उसे हम करंट का क्वेश्चन बना दे रहे हैं कैसा चलेगा चलो भैया कायरों के अंदर भैया बैठक हुई है कायरो के अंदर एक बैठक हुई है इस बैठक के अंदर भी क्या काम किया जा रहा है तो इसराइल और हमास के युद्ध को रोकने के लिए यहां पे बात हो रही है कहां पे कायरो के अंदर ठीक है अगला क्वेश्चन आप बताइए तब तक मैं दो मिनट में आप पानी पी के आता हूं ठीक है एक मिनट का रेस्ट लेंगे सभी ठीक है एक मिनट का रेस्ट लेंगे उसके बाद लगभग बीस मिनट और क्लास चलने वाली है बफरिंग तो हो नहीं रहा झूठ तो बोलो मत है एक मिनट एक दो मिनट का रेस्ट ले लिया जाए भैया जल्दी बताओ एक दो मिनट का रेस्ट ले लिया जाए पानी वानी पी लिया जाए ठीक है उसके बाद दस पंद्रह क्वेश्चन और देखेंगे ठीक है चलो ओके okay. एक दो मिनट का रेस्ट है उसके बाद दोबारा मिलते हैं कोई जाना मत भैया है कोई जाना मत ठीक है चलो भैया चलो चलो आओ 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 जल्दी आ जाओ ताड़ा ताड़ी जल्दी फटाफट चलिए भैया शुरू करें हाँ क्या कह रहे ध्यान से देखो बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो पार्टिकल डिटेक्टर यानी कि भैया इसी को हम घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं इसी को हम घोष्ट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं अब भैया इसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर बनाया गया है जिसका नाम क्या होने वाला है ट्राइडेंट क्या होने वाला है ट्राइडेंट ये जो डिटेक्टर है इसको भैया प्लेस किया जाएगा कहां पे इसको प्लेस किया जाएगा पैसिफिक ओशन ओशन के अंदर ठीक है और इसको बना कौन रहा है तो भैया चाइना कौन बना रहा है चाइना जिसका जिसका आंसर चाइना सही है बिल्कुल सही है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन फटाफट फाड़ भी देखते हैं बताओ भैया ट्वेंटी वन सेशन ऑफ यू सी पहले समझते हैं यू एन सी सी डी यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टी डेजर्टिफिकेशन बात समझो भैया संयुक्त राष्ट्र का वो अंग मैंने क्या कहा संयुक्त राष्ट्र का वो अंग जो कि उन एरिया में काम करता है जहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है जहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है तो उसकी जो इक्कीसवी नंबर की बैठक है आपसे पूछा है भैया इसका आयोजन कहां पे हो रहा है तो याद रखना इसका आयोजन हो रहा है समरकंद उजबेकिस्तान कहां पे समरकंद उजबेकिस्तान ठीक है ऑप्शन बी बहुत सही ठीक है तो भैया यूएनसीसीडी किस लिए काम करता है भाई यूएनसीसीडी काम करता है यूएनसीसीडी काम करता है मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम डेजर्टिफिकेशन ऐसा बॉडी संयुक्त राष्ट्र का ऐसा अंग जो कि किसके लिए काम करता है ऐसे देश जहां पे सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है उसके लिए काम कर रहा है और उसकी इक्कीसवीं बैठक कहाँ पे उज्बेकिस्तान समरकंद के अंदर कहा होने वाली है नवंबर तेरह से नवंबर सत्रह के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन वेर हैज द थर्ड नेशनल एजिंग सेंटर विल बी स्टैब्लिश भारत का तीसरा एजिंग सेंटर तो भैया पहला एजिंग सेंटर कहां पे? पहला एजिंग सेंटर दिल्ली के एम्स में भैया पहला एजिंग सेंटर दिल्ली एम्स दूसरा एजिंग सेंटर भैया कहा चेन्नई के अंदर और तीसरा भैया कहा वाराणसी वाराणसी में कहा भैया बी एच यू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ठीक है तो ऑप्शन थ्री इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ठीक है पहला एम्स दिल्ली दूसरा चेन्नई और तीसरा जो है बीएचयू के अंदर ठीक है यानी कि वाराणसी बहुत सी अगला बताओ भैया आई स्मार्ट टैलेंट बोला है हाल ही में किस राज्य ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है तो लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा राजस्थान अब ये राजस्थान के अंदर गहलोत साहब की सरकार है इनका ये कहना है कि भैया ये जो पोर्टल होने वाला है ये जो पोर्टल होने वाला है ये पोर्टल भैया काम देने वाले को कनेक्ट करेगा देने वाले को और जिसको काम चाहिए उसको कनेक्ट करने का ये काम करने वाला यानी कि एक ऐसा पोर्टल है, जिसको भी जो है वो भैया जो है वो भी करेगा। इस 20 वैकेंसी में क्या करेगा फॉर्म फिलअप करेगा तो बेसिकली एक पोर्टल है जिसमें राजस्थान सरकार चाहती है कि काम देने वाला और काम जिसको चाहिए वो दोनों आपस में मिल जाए क्लियर है अगला क्वेश्चन चलो भैया उसके बाद क्या हो रहा है देखो सारस मेला सारस मेला इसका आयोजन कहां पे हो रहा है भैया हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर कहां पे हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर सारस मेला अगला बताओ भैया भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में पहला पहला नौसेना पहला नौसेना अभ्यास अभ्यास कहां पे हो रहा है भैया ये हो रहा है गल्फ ऑफ गिनी कहां पे गल्फ ऑफ गिनी इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है आईएनएस एन सुमेधा आई एस सुविधा कौन सी क्लास की है कौन सी क्लास की अभी या? तो ये क्लास हो जाएगा कौन सा तो सरयू क्लास कौन सा सरयू क्लास सरयू क्लास ठीक है बात इसको बना कौन रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है ठीक है बहुत सही गिनी की खाड़ी अगला क्वेश्चन बताओ भैया गौरी वेपन सिस्टम गौरी वेपन सिस्टम भैया किसका है तो याद रखना हाल ही में हमने पढ़ा था अबाबिल अबाबिल ये किसका था पाकिस्तान का अब अब गौरी भैया ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारा अग्नि फाइव है जैसे हमारा अग्नि फाइव यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल है रेंज कितनी है सात हजार किलोमीटर ठीक है किसके द्वारा पाकिस्तान के द्वारा क्या बात है पाकिस्तान के पास पैसा वैसा आ गया है क्या आजकल है पाकिस्तान के पास पैसा वैसा आ गया है क्या बहुत सही हाँ भैया नेशनल गेम्स कौन सा संस्करण सैतीसवा संस्करण इसके ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है भैया ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है ऑफिशियल पार्टनर बना है भैया कौन पेटीएम कहा हो रहा है गोवा के अंदर गोवा की राजधानी पंजी गोवा के सीएम प्रमोद सावंत यहीं पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा मोपा एयरपोर्ट यानी कि मनोहर परिकर एयरपोर्ट जो कि एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है यहीं पे भी यह कौन सा फेस्टिवल पर्पल फेस्टिवल का आयोजन पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहां पे होता है यहीं पे होता है किसके लिए होता है विकलांगों के लिए विकलांगों के लिए भी यह पर्पल फेस्टिवल ठीक है यहीं पे चिकल कालो फेस्टिवल चिकल कालो फेस्टिवल जिसे हम मड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं यहीं पर भैया बन फेस्टिवल ठीक है थर्टी सेवेंथ नंबर का चलो अगला क्वेश्चन ऑप्शन गलत है भारतीय सेना को अपनी पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में ली भैया हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर कहा भैया हिमाचल प्रदेश के अंदर कहा मिला कौन सी जगह है यार घूमने का हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी जगह है घूमने का अरे घूमने का जगह कौन सा है भैया क्या बोलते हैं यार एस से नाम है हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा जगह है जिसका नाम एस से शुरू होता है घूमने का क्या बोलते हैं शिमला यार शिमला में ठीक है शिमला अच्छा हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा टी देखने को मिलेगा कांगड़ा टी देखने को मिलेगा जिसको यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिला ठीक है हिमाचल प्रदेश की मेघा नाम की एक महिला देखने को मिलेगी एक लड़की देखने को मिलेगी जिसने भैया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है यह बड़ी बात नहीं है देखो माउंट एवरेस्ट पे, वैसे तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना बड़ी बात है बट माउंट एवरेस्ट पे इसने अपना ट्राइबल ड्रेस पहन के चढ़ाई किया भैया माउंट एवरेस्ट में आप टी शर्ट लोअर पहन के थोड़ी ना चढ़ाई करोगे इस लड़की ने ये हिमाचल प्रदेश की लड़की है और ये जिस ट्राइब से रहती है जिस समुदाय से रहती है उस समुदाय के अंदर भैया एक स्पेशल कपड़ा होता है उस स्पेशल कपड़ा को पहन के इस लड़की ने चलाई की गोवा के काजू को जिया बिल्कुल उसका नाम कुछ था मतलब उस ड्रेस या झोंझिया ऐसे करके कुछ ठीक है ऐसे कुछ के नाम था उस का ठीक है एक बार देखना आप चलो भैया हाल ही में हमने पढ़ा था एयरबस एयरबस क्या है भैया एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर है मैनू फ्रैक्चर है याद रखना इसका मुख्यालय आपको कहां पे नीदरलैंड्स के अंदर देखने को मिलेगा कुछ समय हमने पहले पढ़ा था कि एयरबस ने एयरबस ने गति शक्ति यूनिवर्सिटी द गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक समझौता किया है जिस समझौते में एयरबस गतिशक्ति यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को एरोस्पेस की ट्रेनिंग देंगे एरोस्पेस की ट्रेनिंग या इनको एजुकेट करेंगे यह समझौता कुछ समय पहले हुआ था अब क्या हुआ एयरबस ने भी किसके साथ आईआईटी कानपुर के साथ आईआईटी कानपुर के, के साथ सेम समझौता किया है आईआईटी कानपुर के साथ सेम समझौता किया है क्लियर बात आईटी मद्रास आंसर है बहुत पीटों के आई टी कानपुर बिल्कुल सही है आईटी मद्रास बताओ भैया मिल्क दूध की शुद्धता को तीस सेकंड में पता लगाने के लिए मिल्क की प्योरिटी को तीस सेकंड में पता लगाने के लिए ठीक है एक उपकरण को विकसित किया गया था उपकरण को इनके द्वारा विकसित किया गया था साथ ही साथ इनके ही द्वारा नाम का एक उपकरण विकसित किया गया है उपकरण जो कि कैंसर का पता लगाएगा किसका कैंसर का पता लगाएगा ठीक है कैंसर का पता लगाएगा बस भैया दो मिनट रुक जाओ दो चार मिनट रुक जाओ लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ठीक है मैं सात बजे से पढ़ा रहा हूं ठीक है चलो इंडिया मोबाइल कांग्रेस भैया कहां पे न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहां पे न्यू दिल्ली के अंदर ये इसका सातवां संस्करण कहां पे कौन सा सातवां संस्करण इसको इनोग्रेशन कौन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी इनग्रेशन कर सातवां संस्करण ठीक है तो ये करंट अफेयर किस मंथ का ये करंट अफेयर भैया नवंबर के स्टार्टिंग और अक्टूबर के लास्ट मंथ का अक्टूबर के लास्ट लास्ट डेज का है ठीक है तो भैया यहां तक आज के सेशन को रखते हैं ठीक है यहां तक आज के सेशन को रखते हैं आई होप आप सभी को सेशन सेशन में मजा आया होगा और जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया वो आप तक तो पहुंच पाया होगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा या सेशन से रिलेटेड जो भी आपके सजेशन है या कोई भी चीज है कोई भी चीज आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन के बारे में या सेशन में कुछ बदलाव करने हैं सेशन में कुछ चीजें चेंज करनी है आपके हिसाब से करनी है तो उन चीजों के रिलेटेड भी आप कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद दे सकते हो ठीक है तो मिलते हैं अब जब भी मुझे, मुझे मौका मिलेगा आपके साथ रूबरू होने का तो मैं आपके साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे, प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उसे आराम आराम से चीजों को डिस्कस करेंगे <coughs> तो मिलते हैं कल या किसी और दिन करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में तब तक अपना ध्यान रखें मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं जय हिंद जय